हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी का सीन ऐसा है कि है ना, आज मैं सुबह उठ के है ना जा रहा हूँ रनिंग के लिए, तो ये पतला हो रहा है रोज़ की तरह, तो है ना चलो चलते हैं। तो गाइस, फाइनली मैं स्टेडियम पहुँच चुका हूँ, लेकिन आज तो कल से ज़्यादा भीड़ दिख रही है यहाँ पे, देखते अब क्या है। तो गाइस, आज तो हमें बहुत सारे लोग आ रखे हैं, तो है ना चलो हम तो अपना कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, मैं वहाँ से फ्री होकर घर पर बहुत पहुँचने वाला हूँ बस, तो चलो चलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थक गया था, तो धूप भी बहुत ज़्यादा निकली हुई है जैसे कि आप देख ही सकते हो, तो बस चलो चलते हैं। तो गाइस, मैं फाइनली घर पे पहुंच चुका हूँ और है ना चलो आपसे नहा धो के मिलता हूँ। तो वैसे ऐसे कि नहा धो के रेडी हो चुका हूँ जैसे कि आप देख ही सकते हैं, और है ना चलो आगे कैसे देखते हैं। और पवन, सब बढ़िया? हाँ भाई, बढ़िया। और क्या लग रहा है, कौन जीतेगा आज? कल की तो था भाई। अच्छा, तो भाई मैं भी कहा हारा था यार, बराबरी तो रहा था थोड़ा बहुत। 20 रुपए जीता था तू, 200 रुपए जीता था, मैं 100 रुपए लगा के 60 रुपए जीता था मैं। हमने यहाँ पे बस एक फुल हाउस का रखा हुआ है, फुल हाउस का मतलब है कि जितने भी नंबर है ना, जितने भी नंबर आपको दिख रहे थे कि मैं सारे कट जाने चाहिए। तो तेरे कितने कटे? मेरे भाई नहीं बता रहा, तेरे कितने कटे? मेरे 50 का दे, 50 तो नंबर ही नहीं है भाई। पवन कैसी लगी, आ गया स्वाद? तो गाइस, अभी का सीन ऐसा है कि जीता मैं हूँ, मैं फर्स्ट टाइम हूँ गाइस, क्योंकि फुल हाउस रखा था पूरा, सबसे पहले हाउस मेरा ही हुआ है। और जो जीता अब है ना खाना खाने लग रहा है, और आज खाने में आलू मटर की सब्जी और रोटी। तो गाइस, अभी का सीन ऐसा है कि मैं जिम के लिए रेडी हो चुका हूँ, और चलो अब जिम के लिए निकलते हैं। तो गाइस, आज मैं जिम जाने वाला हूँ बाइक से। तो गाइस, बाइक से मैं जिम पहुँच चुका हूँ, और चलो आपको जिम से फ्री होने के बाद मिलता हूँ। वैसे लग रहा है कि यार नीचे यहाँ पे मतलब है ना शादी वादी का कुछ हो रहा है, बारात जा रही है लग रहा है। वैसे कि आज के मौसम में धूप तो हो ही रही है, लेकिन साथ में हवा भी बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रही है, आप देखो। तो गाइस, फाइनली सारी एक्सरसाइज करके मैं फ्री हो चुका हूँ, और अब मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, तो चलो चलते हैं, और आपको सीधा घर पे मिलूंगा अब। तो गाइस, फाइनली मैं जिम से फ्री होकर घर तक घर पे पहुँच चुका हूँ, और है ना मम्मा जी और पवन गए हुए बाहर थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए, मार्केट में गए हुए हैं, और है ना बस अभी तो इतना ही बोलना था, चलो हम तो अपने घर पे चलते हैं, और है ना आपको सीधा नहा धो के मिलते हैं, बाय। पवन और मम्मा जी वापिस आ चुके हैं, और पवन एंजॉय करा आज? तो आज भी नहीं करा बस, मेरे लिए लेके आया, दिखा दी दोस्ती कैसे, देखो आते ही बढ़ गया। सोच रहा था तेरे लिए भी ले आऊं, लेकिन तूने मना कर दिया। मैंने क्यों मना करा, कह रहा सपने में करा था, इस कितना झूठा है। वैसे जैसे कि मम्मा जी पापा जी पवन सब आ चुके हैं, नहा धो के रेडी हो चुका हूँ वैसे, और है ना अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, नीचे आ रहा हूँ भाई, पवन को बता रहा था अभी। तो कैसे अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, वैसे देखो बिल्ले भी आ चुके हैं, और मैं नीचे जा रहा हूँ अपने ना पापा जी के काम से, भी क्या नीचे ना पापा जी ने कोई पार्सल रखवाया था, मतलब रखवाया नहीं था, आया था और नीचे गार्ड अंकल के पास रखा दिया था उसने, तो बस गार्ड अंकल से पार्सल लेके ऊपर आ रहा हूँ वापस। तो चलो चलते हैं, पार्सल ले लिया हमने, तो चलो अब चलते हैं। के अंदर आ चुका हूँ, क्या हुआ? वीडियो बना, बनाई तो रहा हूँ, साथ ही है टहलने जा रहे हैं। टहलने? टहलने? हम किधर जा रहे हैं? जा रहा हूँ टहलने, टहलने। भाई लेकिन तू टहल थोड़ा ना रहा है, तू तो कुछ और ही कर रहा है। गाइस, तू पता नहीं किधर निकल गया। हम वैसे टहलने जा रहे हैं, हम है ना जा रहे हैं मेडिकल, ऐसी छोटी मोटी दवाइयाँ लेने के लिए, तो चलो चलते हैं। धूम मचाले, धूम मचाले, धूम। यही सॉन्ग लगाऊंगा पीछे। अरे भाई क्या हो गया, बीच में क्यों रुक रहा है? वैसे पवन के थैली, पवन के वो साइकिल में थैली दिख रही है, उसी में दवाइयाँ हैं नॉर्मल सी छोटी मोटी सी, तो है ना बस चलो चलते हैं। अब यहाँ पे हम सब खाना खाने लग रहे हैं महाभारत देखते हुए, तो है ना बस चलो अभी खाना खाने के बाद मिलते हैं आपको। आज खाने में ये दाल है, ये सोया चाप मसाला है, और ये वैसा है ना हमने एक नया टाइप का स्नैक्स टाइप मंगवाया था, जिसको है ना ये शायद से मशरूम है, शायद से पक्का नहीं, कंफर्म करके बता दूंगा बाद में। वैसे से हम सब जा रहे हैं राउंड काटने के लिए, खाना खा के फ्री हो चुके हैं, तो चलो चलते हैं। ये देखो हमें नीचे आते सरप्राइज मिल चुका है। और भाई कैसे, सब बढ़िया? हाय गाइस। और भाई आपने आपको इंट्रोड्यूस कराओ, क्या नाम है? एंड गाइस, मेरा नाम है राज, एंड गाइस सी यू।
गाइस कर देना, गाइस बोल रहे सब्सक्राइब कर देना, चेतावनी दे रहा है। अभी हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए, तो चलो चलते हैं। तो गाइस हमने दूध ले लिया और ये देखो ऑल इंडिया घूम रहे साइकिल से। सच्ची में अभी पंजाब से आ रहा हूँ। अच्छी बात है। और अभी इसके बाद कहाँ पे जाओगे? अभी रिसेंटली तो शिमला ये जाऊंगा, केकड़ा। हाँ, तो उसके बाद जाऊंगा उज्जैन महाकाल। उज्जैन महाकाल जी, वहाँ से स्टार्टिंग है। अच्छी बात है। और ज्योतिर्लिंग घूमेंगे बाबा, साइकिल से वो भी। यही है बाबा नंदी हमारा, साइकिल तुम्हारा हमारा नंदी, यही हमको लेके जा रहा है, हमारी कोई औकात नहीं है। मान गए भैया, महादेव क्या कहते हैं कि उनकी परमिशन के बिना पत्ता भी नहीं लेगा दादा। सही बोलते हैं। तो हम कैसे चले जाएंगे इस पे, वो ही लेके जा रहे हैं महादेव। सही बात है भैया, दादा अच्छी बात है भैया। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि अपना मन साफ करो, नहाने धोने से नहीं मैं मिलूंगा। तन 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 के साथ मन भी अंदर से भी साफ होना चाहिए। मन ही हो गया ना दादा। हाँ, वो कैसे होएगा, मन कैसे होएगा, कैसे होगा? ये दुनिया की लड़कियां हैं वो सारी तुमको अपनी सिस्टर बनानी पड़ेगी। अच्छा, दुनिया की माए ब्रह्मचार्य टाइप। सुन सुन, ब्रह्मचारी नहीं नहीं नहीं, फिर एक तो अपनी है ना, अपनी हाँ? लुगाई तो अपनी है। हाँ? अगर अपनी लुगाई किसी के साथ जाएगी तो अपने को दुख होएगा ना दादा। सही बात है। वैसे ही अपनी लुगाई को दुख होता है जब हम किसी के साथ जाते हैं, तो उसके उसके लिए हो बस, उनके अलावा बाकी सब सिस्टर, बाकी सब सिस्टर। अच्छी बात है भैया, बाकी सब माए मेरी मासा। सही बात है। सब दादी मेरी दादी सब। मान गए भैया आपको, बोले ना सही है ना। सही बात है भैया, क्या बोले भंडारी। मैं ब्लॉग डालता हूँ, ब्लॉग डालता हूँ यूट्यूब पे, डाल दूं ना? डाल दे बाबा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, भैया हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू बड़े भाई, बस दुआएं लेके चल रहा है तेरा भाई, तुम्हारे जैसे भाइयों की। अच्छी बात है भैया, के सहारे तेरा भाई रात को भी एक समझता है, दिन को भी एक समझता है। अच्छी बात है भैया, आप जैसे लोग बहुत कम दिखते हैं भैया। ये देख ये क्या तारीख लिखी हुई है, 18 फरवरी। 18 फरवरी शनिवारी, शनिवार और महाशिवरात्रि। अच्छा, हमारी तो भाई 19 ही नहीं हुई। अच्छा, हम तो 18 फरवरी में ही घूम रहे हैं, आज भी हमारी तो महाशिवरात्रि है। अच्छी बात है भैया। और भोलेनाथ का उस दिन जन्म हुआ था, रुद्र रूप कहलाए थे हमारे महादेव। अच्छा, और जो माँ पार्वती है वो थी उमा, दक्षपति राजा के घर में उनकी आई। हाँ, ठीक है, तो उन्होंने माँ जगदम्बा को प्रसन्न किया, तब जाके वो आई, फिर भोले और माँ पार्वती का कनेक्शन जुड़ा, देन ये सृष्टि रची गई सारी, तू मैं ये कुत्ते बिल्ली। पहले पानी वाले, आकाश वाले, जमीन वाले जानवर आए, सांप बिच्छू गाय कुत्ते ये आए, इंसान आए बाद में, लेकिन आज के टाइम में इंसान क्या बन गया, मतलब ही। सही बात है, है ना, तेरी जेब में रुपया तो तेरे को सल्यूट, अगर तेरी जेब में रुपया नहीं तो तेरे को कोई रिश्तेदार नहीं आएगा बाबा, क्योंकि उसको पता है कि इसके पास पैसे नहीं है, मेरे पास फैक्ट्री है, सही बोल रहा, पैसे मांग लेगा। सही बोल रहे हो भैया, गलत बोलेंगे तो बोले भाग जाएंगे, हमने जो पकड़ रखे हैं, क्योंकि कहते हैं ना भगत के वश में है भगवान। हाँ, हमारी भक्ति में है शक्ति दादा, निस्वार्थ भक्ति वो दौड़ है जो भगवान को बांध सकती है, वरना कोई और दौड़ नहीं बांध सकती है, ऐसा सकती। सही बात है भैया, और भगवान चुनते हैं बाबा, हर कोई नहीं चल सकता। सही बात है। ठीक है भैया, ओके भाई, ऐसे देख के सच्ची में बहुत अच्छा लगा कि है ना आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो है ना साइकिल से ऐसी यात्रा कर रहे हैं। मतलब मैंने यूट्यूब में तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी थी, साइकिल से अपनी पूरी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मैं मानने भी नहीं आती थी कि सच्ची में कोई ऐसा कर सकता है कि नहीं। आज जब लाइव देखा ना भैया को, तब जाके लगा वाह यार भैया, तो है ना बस भैया सल्यूट है आपको, और है ना चलो चलते हैं घर पे, क्योंकि हमारे रिलेटिव हमारा वेट कर रहे हैं। मैं पॉस्ट चुका हूँ, पता नहीं क्या हरकतें कर रहे हैं। और भैया कैसे हो अपने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, तू कर क्या नाम है तेरा? अच्छा, और कौन सी क्लास में हो? वाह यार भाई, मतलब और पवन इसका नाम क्या है? राइस पिचू। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस मत कीजिए। पवन ने धोखा दिया, अरे पवन को धक्का मार के दे दिया। अरे भाई भाई गजब था ये, ओ इसको धोखा मिल गया, वो हाली भाई उसको हटाया था, हटी नहीं। ओ द्वंद्व युद्ध।
अबे हटा दे, ये जाएगा, ये पक्का जाएगा। ना फाइनली मेरी चांस है कि दाम देने की, और मैं वचन लेता हूँ कि सबसे बेस्ट दाम मेरा ही होगा। करना क्या हुआ? ठीक है चलो, तो मेरा दाम खत्म हो, इस पर दाम आ चुका है अब दोबारा से। तो ऐसे जैसे कि हम सब है ना यहाँ पे गेम खेले, इसका नाम क्या है? ऑन है। हाँ ऑन है। इसका नाम इन लोगों ने स्पेशल रखा है भूत बंगला, और हम खेलने जा रहे हैं, और वो लोग छुपे हैं, हमें ट्राई किया और हम जा रहे हैं बस। और हम नहीं डर रहे, वो भी डर गए तो वही तो हम हार जाएंगे, सॉरी तो वो हार जाएंगे। ओके तो चलो गाइस, वैसे जगह वैसे ही डरावनी दिख रही है मुझे, क्योंकि गार्डन कल ने सारी लाइट बंद कर दिया। वाह। अरे बिल्ली और ज्यादा, पीछे जाना, हर जगह में बिल्ली आई जाती है ऐसा लग रहा है मुझे। ओह गाइस लाइट खराब हो गई, हर मूवी की तरह हर मूवी ऐसे भूते सीन में लाइट खराब हो जाती है, हमारी भी हो गई। हमारी लाइट ओह इधर आ, सबसे बेस्ट लाइट दिखाता हूँ गाइस। अभी बंद हो गई था, अभी ऑन हो गई थी ये। भाई ये हमारे बहुत काम की चीज है, और ये तो देख, हम अब तो चलो एक्सप्लोर, अब हम एक्सप्लोर करने वाले हमारे फ्लैट के भूतिया जगह वो, और कहीं जहाँ से कुछ आवाज आई भूत गाइस, हम गाइस ऊपर धक धक की आवाज आ रही, हम भूत अंतर है तो हम सुना रहे हैं आपको। अबे हाँ मजा आ रहा है एक्सप्लोर करने में यार, मेरे को डर लग रहा है ना, कदम उधर चलना। अरे भाई उधर चल लेना, अबे सारे भूत ऐसे कॉर्नर में दिखते हैं, ये लोग उधर कॉर्नर पे गए नहीं होंगे, फटू है ये लोग भी। अरे सोचना कोई असली का भूत दिख गया गलती से, और हम सोचे हमारे रिश्तेदार है कोई, हमारे सारे रिश्तेदार हैं यार कैसे बिल, ये बिल दिया हमें रास्ता होता है इस तरफ कोई है, तुम समझ रहे हो, बाथरूम समझ रहे, गार्डन कल गए, नहीं इतनी गंदी जगह पे कौन छुपेगा, दूसरे भूत का अंतर करेगा ये देखो, अब हमारा एक भूत और बचा है, एक भूत भाई पवन की तो ये भूत हमारे साथ हेल्प करेगा उस भूत को पकड़ने, ये भूत अच्छा है और दूसरे भूत बुरा है। वो टॉर्च सच्ची में खराब हो गई, जैसे हॉन्टेड जगह में हो जाती है, क्या चालू हो गया गाइस, हम एक भूत को तो भूल ही गए थे, ये आ गया असली भूत, असली भूत आ गया। वो झगड़ा, ओ ओ रुको रुको, आवाज मत करो, झगड़ा हो गया, करो करो कंटिन्यू। मैं मेरी चांस हुई नहीं है छुपने की, तुम लोग हाँ वो गार्डन गर्ल्स हो रहे हैं यार, खेलते खेलते इतना टाइम हो गया, पता ही नहीं लगा कि है ना कब जाने का समय हो गया हम सबका। सब कुछ पहले ही बता दो यार, थोड़ा सरप्राइज देने देते, तो भाई इसके बाद इसी साथ आजकल मैं यही बैन करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हाँ बस यही बोलना।